इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे क्रिएचर रहा करते थे। उसी आइलैंड पर हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो कि हेजोग होता है, लेकिन वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी नेचुरल सुपर पावर होती है। वो अपने घर पहुँचता है जहाँ हमें लॉन्ग क्लो को दिखाया जाता है जो की एक आउल होती है और उन्होंने ही सोनिक को पाला होता है। लॉन्ग क्लो सोनिक को समझाती है की तुम अपनी पावर का यूज मत किया करो वरना कोई तुम्हें देख लेगा, लेकिन सोनिक कहता है की मुझे कोई नहीं देख सकता क्योंकि मैं बहुत फास्ट हूँ। तभी वहाँ दूसरे क्रिएचर आकर उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें सोनिक की पावर चाहिए थी। लॉन्ग क्लो सोनिक को बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर उन पर तीर से हमला करने लगते हैं जिससे एक तीर लॉन्ग क्लो को लग जाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। वो सोनिक को समझाती है कि तुम्हारे जैसी पावर मैंने किसी के पास नहीं देखी, इसीलिए हर कोई इसे छीनना चाहेगा और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें सबसे छिपकर रहना होगा। फिर लॉन्ग क्लो अपने पॉकेट में से एक रिंग निकालकर उसे एक्टिवेट कर देती है जिससे वहाँ दूसरी दुनिया का एक पोर्टल खुल जाता है। लॉन्ग क्लो सोनिक को बताती है कि यह जगह यूनिवर्स के दूसरे कोने में है, इसीलिए तुम वहाँ सेफ रहोगे। तभी वहाँ दूसरे क्रिएचर भी आने लगते हैं। यह देखकर लॉन्ग क्लो सोनिक को सारी रिंग देकर कहती है कि अगर तुम कभी पकड़े जाओ तो इन रिंग्स का इस्तेमाल करना और हमेशा भागते रहना। फिर वो सोनिक को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन सोनिक लॉन्ग क्लो को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो वापस उनकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक रिंग का मैजिक खत्म हो जाता है। फिर हमें 10 साल बाद ग्रीन हिल्स टाउन में टॉम को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी लाइफ काफी बोरिंग होती है। वो रोड पर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है लेकिन वहाँ से एक भी कार नहीं गुजरती। तभी सोनिक वहाँ उसे परेशान करने के लिए अपनी फुल स्पीड में उसकी कार के पास से निकलता है जिससे टॉम उसे नहीं देख पाता, मगर स्पीडोमीटर उसकी स्पीड नोट कर लेता है जो बहुत ही ज्यादा होती है। टॉम ये सोचता है कि स्पीडोमीटर खराब हो गया है, लेकिन सोनिक उसके साथ 2-3 बार ऐसा करता है जिससे टॉम को कुछ समझ नहीं आता और वो बाहर निकल कर देखता है जहाँ उसे सोनिक का एक बाल मिलता है। टॉम उसे अपने पास रख लेता है और कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ रोड पर एक कछुआ कार के नीचे आने वाला होता है कि सोनिक उसे बचा लेता है। फिर उस कछुए को बहुत तेज राइड करवाता है और जंगल में छोड़कर अपने घर चला जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि सोनिक ने सबसे छिपने के लिए जंगल में एक रूम बनाया होता है जहाँ उसने इंसानों की बहुत सारी चीजें रखी होती है और वो उनसे ही अपना टाइम पास करता है। वो बुक पढ़ता है, बहुत सारे गेम खेलता है। साथ ही उसे पता था कि अगर कभी वो पकड़ा गया तो रिंग्स का यूज करके नए प्लेनेट पर चला जाएगा जो उसके लिए सेफ जगह होगी, लेकिन वहाँ चारों ओर सिर्फ मशरूम ही मशरूम होंगे। सोनिक अभी इस बात की फिक्र नहीं करता क्योंकि वो अभी ग्रीन हिल्स में बहुत खुश था और उसे वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सोनिक कभी किसी के सामने नहीं आता। सोनिक टॉम को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है और उसने उसका नाम डोनर लोड रख रखा होता है। टॉम उसे इसलिए इतना पसंद होता है क्योंकि टॉम हर जानवर और इंसानों की मदद करता है। टॉम अपनी गर्लफ्रेंड मेडी के साथ ग्रीन हिल्स में ही रहता था। मेडी एक वेटरनरी डॉक्टर थी। सोनिक कभी भी टॉम और मेडी के सामने नहीं आता, लेकिन वो खुद को उनकी फैमिली का हिस्सा मानता था और वो उनकी हर एक एक्टिविटी में शामिल था। एक दिन जब टॉम घर आता है तो मेडी उसे बताती है कि उसका सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन हो चुका है, इसीलिए वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन दोनों का ग्रीन हिल्स छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन टॉम और लोगों की मदद करना चाहता था, इसीलिए वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। वही फिर हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो बेसबॉल का मैच देखने के लिए ग्राउंड के पास आता है और वो सबसे छिपकर मैच देखने लग जाता है। उसे वो गेम काफी अच्छा लगता है और उसका भी गेम खेलने का मन करता है, लेकिन वो सभी के सामने नहीं आ सकता था, इसीलिए वो सभी के जाने के बाद रात में अपनी स्पीड की मदद से खुद की एक टीम बना लेता है और वो खुद ही बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और बॉल कैच करता है। वो अपनी सुपर स्पीड से सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उदास हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि उसके लिए लोग क्लैपिंग करे, हाई फाई करे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उसे पता था कि हमेशा उसे सबसे छिपकर रहना होगा। इसी बात से गुस्सा होकर वो बहुत स्पीड में ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है जिससे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लग जाती है। वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे ग्रीन हिल्स के साथ साथ पूरे पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बिजली को भी उड़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस ब्लू रोशनी से हुए धमाके पर बात करने के लिए US गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर इकट्ठा होते हैं। वो इस हमले पर चर्चा करने लगते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं कि शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस की वजह से हुआ होगा, तो कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस में इतनी पावर नहीं होती। कुछ कहते हैं कि नासा का कहना है कि किसी भी तरह का एलियन हमला नहीं है और न ही पावर प्लांट में कोई प्रॉब्लम है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें इस कुत्ती को सुलझाने के लिए एक ऐसे साइंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिससे सभी समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट उसी सन की डॉक्टर रोबोटनी की बात कर रहे हैं जिसका
ना तो कोई काम करने का लहजा है और न ही कोई तमीज। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि भले ही वो कैसा भी इंसान हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए ऐसे हादसों को उसी सन की डॉक्टर ने सोल्व किया है। फिर हमें उसी ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ आर्मी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहाँ डॉक्टर रोबोटनिक अपना बहुत ही एडवांस ड्रग लेकर आता है और उसके पीछे उसके असिस्टेंट भी होते हैं। डॉक्टर बाहर निकलते ही अपनी पावर दिखाने लगता है। वो आर्मी के इंचार्ज की बहुत ही बेइज्जती करता है। वो उसे कहता है कि यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ साइड में खड़े हो जाओ और मेरा काम देखो। फिर डॉक्टर अपने ट्रक में से अपने बहुत ही एडवांस ड्रोन्स निकाल कर उनको हर डायरेक्शन में भेज देता है। ड्रोन फॉरेस्ट में पहुँच कर हर एक चीज को स्कैन करने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक ड्रोन सोनिक के फुटप्रिंट स्कैन कर लेता है। डॉक्टर रोबोटनिक उस फुटप्रिंट पर रिसर्च करने लग जाता है। तभी वहाँ एजेंट स्टोन आता है जो रोबोटनिक का ही असिस्टेंट होता है। डॉक्टर स्टोन को बताता है कि यह फुटप्रिंट कोई आम फुटप्रिंट नहीं है, यह किसी क्रिएचर का है, क्योंकि मैंने इसे अर्थ पर रहने वाले सभी जानवरों से मैच किया है, लेकिन यह किसी से भी मैच नहीं हुआ। और अब डॉक्टर उस क्रिएचर को देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो अपनी सारी सर्चिंग टीम को इस फुटप्रिंट वाली जगह पर भेज देता है। आर्मी और ड्रोन वहाँ जाकर उस एरिया की छानबीन करने लग जाते हैं। सोनिक छिपकर ये सब देख रहा होता है। सोनिक समझ जाता है कि वो सब यहाँ उसे पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए वो मशरूम प्लेनेट जाने की तैयारी करने लग जाता है। वो अपने बैग में जो कुछ समेट सकता था वो समेट लेता है और वो अपनी रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट जाने लगता है। लेकिन तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, इसीलिए वो रिंग का इस्तेमाल नहीं करता और किसी सेफ जगह जाने का सोचता है। तभी हमें टॉम को दिखाया जाता है जो मेडी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे बाहर डस्टबिन गिरने की आवाज आती है और उसे लगता है कि फिर से उसके घर में रकून घुस आए हैं, इसीलिए वो ट्रंकलाइजर गन लेकर जाता है ताकि वो उन्हें डरा सके। तभी हमें पता चलता है कि वो रकून नहीं बल्कि सोनिक होता है जो टॉम के घर में छिपने के लिए आया होता है। वो अपनी रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने का कहने वाला होता है कि तभी वहाँ टॉम आ जाता है। टॉम और सोनिक एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं और टॉम से गलती से वो गन चल जाती है, जिससे सोनिक बेहोश होने लग जाता है। बेहोश होने से पहले सोनिक टॉम की टी शर्ट पर सेंट फ्रांसिस्को लिखा हुआ पढ़ लेता है, जिससे वो रिंग का पोर्टल सेंट फ्रांसिस्को की बिल्डिंग के ऊपर खुल जाता है और सोनिक की सारी रिंग्स उस बिल्डिंग के ऊपर गिर जाती है। सोनिक उन रिंग्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। टॉम सोनिक से डरकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। सोनिक को जब होश आता है तो पिंजरे से बाहर आ जाता है। टॉम सोनिक को देखकर डर जाता है क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर रहा होता है। टॉम को लगता है कि सोनिक उसे किडनैप करने आया है ताकि वो उसे अपने प्लेनेट ले जा सके। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रोबोटनिक सोनिक के फुटप्रिंट को फॉलो करते करते टॉम के घर तक पहुँच जाता है। सोनिक उसे वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। वो टॉम से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारे इंजेक्शन की वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, और अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मुझे मार देंगे। टॉम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एटिक में ले जाकर छिपा देता है। फिर टॉम बाहर आकर रोबोटनिक से बात करता है। रोबोटनिक टॉम को कहता है कि वो यहाँ पावर कट की रिसर्च कर रहा है, लेकिन टॉम उसे अंदर नहीं आने देता। तो डॉक्टर अपने ड्रोन को टॉम के घर में भेज देता है जो टॉम के घर की हर चीज को स्कैन करने लग जाते हैं। सोनिक डरकर वहाँ से नीचे आ जाता है, जिससे वो एक टेबल से टकरा जाता है। यह सुनकर रोबोटनिक टॉम को धक्का देकर अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ रकून होता है जो केक खा रहा होता है। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ सोनिक का बाल दिखाई देता है। डॉक्टर अपनी ड्रोन गन से टॉम को डराता है और उसे पूछता है कि मुझे बता दो कि वो क्रिएचर कहाँ पर है। तभी सोनिक टॉम को मुसीबत में देखकर रोबोटनिक के सामने आ जाता है। रोबोटनिक सोनिक को देखकर डर जाता है। तभी टॉम मौके का फायदा उठाकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसका रोबोट उन पर फायर करने लगता है। टॉम और सोनिक टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन सोनिक उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी टॉम एक वास को उठाकर उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर टॉम और सोनिक वहाँ से कार से निकलकर भाग जाते हैं। तभी असिस्टेंट स्टोन आकर डॉक्टर को होश में लाता है। डॉक्टर स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने उसको रोका क्यों नहीं। फिर हमें सोनिक और टॉम को दिखाया जाता है। सोनिक टॉम को कहता है कि मैं एक हेजोग हूँ और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि मेरी रिंग सेंट फ्रांसिस्को के टावर के ऊपर गिर गई है और बिना रिंग के मैं मशरूम प्लेनेट नहीं जा सकता, इसीलिए तुम ही मुझे सेंट फ्रांसिस्को पहुँचाओगे। लेकिन टॉम मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस गवर्नमेंट डॉक्टर को मारा, जिससे मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ। और वो सोनिक को नीचे उतार कर उसे खुद ही सेंट फ्रांसिस्को जाने को कहता है। सोनिक बहुत स्पीड में जाता है और बहुत दूर जाकर वापस आ जाता है और टॉम को बताता है कि मुझे सेंट फ्रांसिस्को का रास्ता नहीं पता और ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने ही मुझे बेहोश किया था। टॉम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे सेंट फ्रांसिस्को ले जाने का डिसाइड करता है। चलते चलते उनको रात हो जाती है। वो एक जगह रुकते हैं और टॉम अपने
दोस्त वेट से बात करने के लिए पे फोन से उसे फोन लगाने जाता है। वो सोनिक को उसी कार में रुकने को कहता है। टॉम वेट को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुमसे बात की थी। तब वेट कहता है कि डॉक्टर को पता चल चुका है क्योंकि वो यही है। फिर रोबोटनिक वेट के हाथ से फोन ले लेता है और टॉम से कहता है कि तुमने मुझे मुक्का मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। टॉम वापस आकर देखता है कि सोनिक वहाँ नहीं है। तभी उसे लगता है कि सोनिक बार में चला गया होगा। वो बार में सोनिक के पास जाता है और उसे यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सोनिक कहता है कि आज मेरा अर्थ पर आखिरी दिन है, इसीलिए मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मस्ती करनी है। सोनिक के बारे में पूछने पर टॉम वहाँ के लोगों को बताता है कि इसे एक बीमारी है जिसकी वजह से इसके चेहरे पर बाल आ गए हैं। टॉम वहाँ सोनिक को बकेट लिस्ट बनाने को कहता है, लेकिन सोनिक कहता है कि बकेट लिस्ट क्या होता है। तो टॉम उसे बताता है कि वो सारी चीजें जो तुम अपनी जिंदगी में मरने से पहले करना चाहते हो उसे बकेट लिस्ट कहते हैं। सोनिक एक्साइटेड हुआ अपनी बकेट लिस्ट बनाता है, लेकिन फिर वो उदास हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया और कल मैं अर्थ छोड़कर चला जाऊंगा। ये सुनकर टॉम भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो सोनिक को यहाँ एक घंटे रुककर अपनी बकेट लिस्ट पूरा करने को कहता है। फिर टॉम और सोनिक बहुत मस्ती करते हैं। सोनिक गेम खेलता है, बुल राइड करता है और मस्ती मस्ती में सोनिक अपनी बकेट लिस्ट में से बहुत सारी चीजें कर लेता है। लेकिन तभी सोनिक वहाँ कुछ गुंडों से पंगा ले लेता है जिससे वहाँ सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। एक गुंडा सोनिक को मारने लगता है, लेकिन तभी सोनिक अपनी पावर यूज करता है जिससे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। फिर सोनिक अपनी स्पीड की मदद से सभी को पीटने लग जाता है और वो टॉम को भी बचाकर साइड कर देता है। फिर सीन जब नॉर्मल होता है तो सभी गुंडे नीचे गिर जाते हैं और सोनिक और टॉम वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। ज्यादा रात होने की वजह से वो एक होटल में रुकते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि इस रूम में तुम चाहे जितनी मस्ती कर सकते हो। फिर सोनिक अपनी फुल स्पीड में वहाँ मस्ती करने लग जाता है, लेकिन फिर वो थककर सो जाता है। तब टॉम की नजर सोनिक के बकेट लिस्ट पर जाती है जिसमें अभी भी एक विश बची होती है जो कि मैं के रियल फ्रेंड होती है, यानी कि सोनिक का अभी तक कोई भी सच्चा दोस्त नहीं होता। तभी टॉम टीवी में न्यूज देखता है कि रोबोटनिक ने उसे टेररिस्ट करार दे दिया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर हमें रोबोटनिक और स्टोन को दिखाया जाता है जो उस बार से सोनिक और टॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं कि टॉम और सोनिक सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। इसीलिए रोबोटनिक उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे अपना बहुत ही पावरफुल टैंक भेजता है। वो टैंक टॉम की गाड़ी पर अटैक कर देता है जिससे सोनिक को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होने लग जाती है। वो बॉल बनकर उस टैंक को तबाह कर देता है। सोनिक और टॉम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन तभी उस टैंक में से एक मॉन्स्टर कार निकलती है और उन पर हमला करने लग जाती है। तभी सोनिक अपनी स्पीड से उस मॉन्स्टर कार पर जाता है और उसी कार के वेपन से उसे ब्लास्ट कर देता है। फिर सोनिक वापस से टॉम के पास आता है। तभी उस मॉन्स्टर कार में से एक बाइक निकल कर आती है, लेकिन टॉम सोनिक को कहता है कि इसे मैं मारूंगा और टॉम सोनिक को गाड़ी चलाने को कहता है। फिर टॉम अपनी टॉर्च निकाल कर उस बाइक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन फिर उसमें से एक मिनी ड्रोन निकलता है और लेजर की मदद से टॉम की गाड़ी की रूफ को कट कर देता है जिससे कार की रूफ टूट जाती है। सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ देता है, लेकिन उसमें लगा बॉम्ब सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। टॉम बॉम्ब को निकालने के लिए गाड़ी को साइड में लगाता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो बॉम्ब नहीं निकलता। तो सोनिक पेचकस की मदद से उस बॉम्ब को निकाल कर पत्थर पर लगा देता है। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे सोनिक बेहोश हो जाता है। रोबोटनिक ये देख कर कि सोनिक बच गया है वो स्टोन पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन तभी उसे स्टोन के पास में सोनिक का हेयर मिलता है जो टॉम के घर से लेकर आए थे। वही टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड मेडी के घर पर जाता है जहाँ मेडी अपनी बहन के साथ रहती थी। टॉम जब घर में जाता है तो मेडी की बहन उसे घर में नहीं आने देती क्योंकि सारी सिटी में टॉम को क्रिमिनल करार कर रखा था, लेकिन फिर भी टॉम अंदर आ जाता है और टॉम का डॉग सोनिक के ऊपर रखी चादर हटा देता है जिससे सोनिक सबके सामने आ जाता है। सोनिक को देखते ही मेडी की बहन बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सोनिक के हेयर पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि इस हेयर में बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है और वो किसी भी चीज को बहुत फास्ट बना सकती है। फिर वो उस हेयर को अपनी मशीनों में लगा देता है जिससे उसकी मशीनें सुपर फास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम मेडी को कहता है कि तुम इसे कुछ भी करके होश में लाओ। तो मेडी कहती है कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और मैं सिर्फ जानवरों को देखती हूँ और मैंने ऐसा क्रिएचर आज तक नहीं देखा। लेकिन फिर उसे इंसानों को होश में लाने का कैप्सूल सुंघाती है जिससे सोनिक होश में आते ही स्पीड में दौड़ने लग जाता है। मेडी उसे देखकर घबरा जाती है। वो टॉम से बात करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है। मेडी टॉम से पूछती है कि तुम इस एलियन के साथ क्या कर रहे हो। तो टॉम कहता है कि मैंने गलती से उसे ट्रंकलाइजर गन से शूट कर दिया था, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ और मुझे उसे ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग पर लेकर जाना है। सोनिक की जान खतरे में
होने की वजह से मेडी मान जाती है क्योंकि टॉम उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा होता है। वहीं जोजो सोनिक के फटे हुए जूते देखकर उसके लिए नए जूते लेकर आ जाती है जिससे सोनिक बहुत खुश होता है। फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं जहाँ पहुँचने पर टॉम सोनिक को बैग में छिपा लेता है ताकि किसी को सोनिक के बारे में कुछ पता न चले। और फिर वो तीनों ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं जहाँ सोनिक को वो रिंग वाला बैग मिल जाता है। अब सोनिक के जाने का टाइम आ गया था इसीलिए टॉम और सोनिक काफी इमोशनल हो जाते हैं। सोनिक जाना नहीं चाहता था लेकिन वो यहाँ रुक भी नहीं सकता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वो लोग मुसीबत में पड़े। फिर सोनिक रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट जाने का कहता है लेकिन वो रिंग रोबोटनिक के ड्रोन से टकरा जाती है। रोबोटनिक अपने साथ बहुत सारे ड्रोन लेकर आया होता है और उसने उसे चारों ओर से घेर लिया होता है। रोबोटनिक उन्हें कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तभी सोनिक को एक आइडिया आता है और वो टॉम और मेडी को बिल्डिंग की छत से धक्का दे देता है। ये देखकर रोबोटनिक बहुत हैरान होता है लेकिन फिर वो सोनिक पर अटैक कर देता है और सोनिक के हेयर वाला अल्ट्रा एनर्जी बटन दबाने लगता है कि तभी सोनिक अपनी पावर से सब कुछ स्लो मोशन में चेंज कर देता है और सभी गोलियों के साथ खेलकर उनसे ड्रोन को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी डॉक्टर के प्लेन का अल्ट्रा एनर्जी वाला बटन ऑन हो जाता है जिससे उसके प्लेन में सोनिक जैसी पावर आ जाती है और वो सोनिक पर अटैक कर देता है जिससे सोनिक नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी वो एक रिंग लेकर मेडी और टॉम को ग्रीन हिल्स भेज देता है और खुद पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर सोनिक अपनी स्पीड से सभी रिंग को इकट्ठा करता है। सोनिक और रोबोटनिक में चेस स्टार्ट हो जाती है। जितनी स्पीड से सोनिक भाग रहा होता है उतनी स्पीड में रोबोटनिक उसका पीछा कर रहा होता है। सोनिक को यह बात समझ नहीं आती कि रोबोटनिक उसकी स्पीड को कैसे मैच कर रहा है क्योंकि सोनिक को पता नहीं होता कि वो सब उसके हेयर की वजह से कर रहा है। सोनिक अब अपने बैग में से रिंग्स निकालता है और एक के बाद एक जगह चेंज करने लगता है। सबसे पहले वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भागने लगता है। इसके बाद सोनिक रिंग फेंकता है और फिर वो दोनों मिस्र पहुँचते हैं जहाँ वो पिरामिड के पास भागने लगता है। सोनिक डॉक्टर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था इसीलिए वो रेत के बाउंडर में उसे फंसा देता है और सोनिक ग्रीन हिल्स के लिए रिंग फेंकता है लेकिन डॉक्टर उसे देख लेता है और उस पर फायर करता उसके पीछे आ जाता है। सोनिक घायल होकर ग्रीन हिल्स में जाकर गिरता है। रोबोटनिक भी उसके पीछे वहीं आ जाता है। यह देखकर टॉम और मेडी के साथ सब लोग वहाँ आ जाते हैं और सभी लोग रोबोटनिक पर गुस्सा करने लगते हैं। टॉम उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से सोनिक की यह हालत हो गई है। तब डॉक्टर कहता है कि यह सिर्फ एक एलियन ही तो है, इसके लिए तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। तब टॉम उसे कहता है कि यह उससे बहुत ज्यादा है और इसमें तुमसे भी ज्यादा इंसानियत है और इन सबसे बढ़कर है कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यह बात सुनते ही सोनिक वापस होश में आ जाता है लेकिन इस बार वो बहुत पावर के साथ उड़ता है। उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही होती है और अब उसे ये भी पता चल जाता है कि डॉक्टर का प्लेन उसके हेयर की वजह से इतनी स्पीड में चल रहा था। तब वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस अल्ट्रा पावर वाले सिस्टम को भी क्रिएट कर देता है लेकिन फिर भी रोबोटनिक सोनिक पर हमला करने के लिए अपने सारे मिसाइल उस पर छोड़ देता है। सोनिक वहाँ फिर से डबल सुपर स्पीड में भागता है और सभी मिसाइल से बचता हुआ रोबोटनिक के प्लेन पर एक के बाद एक अटैक करता जाता है जिससे वो प्लेन काफी डैमेज हो जाता है। तभी टॉम सोनिक की एक रिंग निकालकर मशरूम प्लेनेट के लिए टनल खोल देता है और सोनिक अपने बॉल वाली पावर से रोबोटनिक को प्लेन के साथ ही मशरूम प्लेनेट भेज देता है जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। टॉम सोनिक को कहता है कि तुमने कर दिखाया। तो सोनिक कहता है कि ये सब हमने मिलकर किया है। अब सभी वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। टॉम अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता, वो ग्रीन हिल्स में मेडी के साथ वही रहने लग जाता है। वो अपने घर को रेनोवेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रेसिडेंट टॉम को थैंक यू करने के लिए आते हैं कि तुमने एलियन के बारे में किसी को नहीं बताया और साथ ही में वो टॉम को कुछ पैसे भी देते हैं। प्रेसिडेंट टॉम से कहता है कि क्या तुम मुझे उस एलियन से मिलवा सकते हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तब टॉम कहता है कि अब मैं उससे नहीं मिलता और वो यहाँ से चला गया है। फिर टॉम दरवाजा बंद कर देता है लेकिन सोनिक वहीं उनके साथ ही होता है। वहाँ टॉम सोनिक को एक गिफ्ट के तौर पर एटिक में उसके लिए घर बना देता है और उसकी पुरानी हर चीज अपने रूम पर लगा देता है। सोनिक बहुत इमोशनल हो जाता है और साथ ही बहुत खुश भी होता है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी फैमिली मिल जाती है। वहीं फिर हमें मशरूम प्लेनेट पर रोबोटनिक को दिखाया जाता है जो वहाँ बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ मशरूम के अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रोबोटनिक के पास अभी भी सोनिक का हेयर होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ हमें एक फीमेल हेजो को दिखाया जाता है जिसका नाम टेल्स होता है और वो यहाँ ग्रीन हिल्स में सोनिक को ढूंढने आई होती है और यहीं पर ये फिल्मी कहानी फाइनली खत्म हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप
आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।